हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक सदी के बाद फिर हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन में क्या होते हैं। ब्रेक उसी तरह काम करता है जैसे गाड़ियों में ब्रेक काम करता है। सपोज़ करें मेरे पास है फॉर्चूनर, मैंने ब्रेक लगाया तो वो रुक गई। तो इसी तरीके से पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। इंग्लिश आप खुद पढ़ लेना, मगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट लूप प्रीमैच्योरली रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लूप्स कंडीशन इज स्टिल ट्रू और नॉट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, भाई लूप एकदम से रुक जाता है, मतलब वो कंडीशन ट्रू हो ना हो स्टॉप हो जाती है कंडीशन। फिर वो जो है ना, मैं आपको उसमें कोडिंग में बताऊँगा कि कैसे रुक जाती है। आप यहाँ तक आप थोड़ा समझ लें, थोड़ा आइडिया ले लेंगे ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर आ गई तो क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बाकी आप पढ़ लेना। उसके बाद आ जाती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, भाई सपोज़ करें मैंने 100 गाड़ियाँ खड़ी कर ली, तो उसमें मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर वाली गाड़ी है उसको मैं स्किप कर दूँ तो बाकी जो है ना चली जाएँ। ठीक है, मतलब हाईवे पे वो अपने रास्ते पे चली जाएँ। तो पाइथन में कंटिन्यू स्टेटमेंट भी इसी तरीके से काम करता है कि भाई सारा कोड सेम रहेगा, बाकी जो स्टेटमेंट हम स्किप करना चाहते हैं या कोई ऐसी पॉइंट हम स्किप करना चाहते हैं उसको वो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देगा। ठीक है, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट की तरह पूरा जो है ना लूप वो टर्मिनेट नहीं होता। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो चलते हैं VS कोड की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर लूप, for i इन रेंज। सपोज़ करें यहाँ पे रेंज फंक्शन हमने यूज़ किया, मैं लिख रहा हूँ भाई 10 नंबर। ओके, कोलन। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ i इज़ इक्वल टू 8। ओके, मतलब मैंने 8 इसको जो ना लिमिट सपोज करें दे दी। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ब्रेक लग जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ i, ये टिक टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, टिक 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 टिक। ठीक है, तो ये जो है ना हमने सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट वाला जो है ना ये कोड हमने लिख लिया है। अब इसको रन करवाते हैं कि थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको रेंज दी 10। ओके, और मैंने कहा कि भाई ब्रेक लग जाए 8 पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जैसे ही आएगा उससे पहले जो ना यह ब्रेक लगा देगा। अगर यहाँ, मगर यहाँ पे एक थोड़ी सी दूसरी कंडीशन है कि ये इंडेक्स जो है ना 0 से शुरू होता है, तो उस वजह से 8 जैसे ही आया, मतलब 8 इंडेक्स पे पहुँचा तो इसने ब्रेक लगा ली। ये आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ से लेके 7 तक इसने ब्रेक लगा ली। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे एकदम से किसने बोला कि भाई इस्लामाबाद पर जाके ब्रेक लगाओ, उससे आगे मत जाना, तो मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। इसका मिसाल ऐसे समझिए, क्योंकि मुझे यही सिंपल लग रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मतलब ये जो है ना पाइथन में ब्रेक और ब्रेक इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट में। इसका कोड सिंपल कोड है दोनों का, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे यही सेम जो है ना कोड जैसे करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई 5। ओके, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई कंटिन्यू में क्या होता है कि भाई 5 आएगा, 5 को स्किप कर देगा, बाकी जो है ना फिर आगे गाड़ी जो है ना यहाँ आगे ये नंबर ना जो है ना वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो आप देखें इसके जो है ना उस आउटपुट में, अब यहाँ पर आप देखें भाई जैसे 0 1 2 3 4 5 जैसे आया, 5 इसने स्किप कर दिया, 6 7 8 9 हमने स्किप करके फिर जो है ना आगे हमने मूव किया। तो पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट इसी तरीके से काम करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये जो है ना मैंने पूरा
यहाँ पे ये बनाया हुआ है एक वो पाइथन का, मतलब टॉपिक वाइज कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है ना कवर करनी है। पहले हमने ये इंट्रोडक्शन और सेटअप वगैरह पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कंट्रोल फ्लो यहाँ तक मतलब कंप्लीट हो गया ब्रेक और कंटिन्यू में। उसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, सही है, फाइल हैंडलिंग, मतलब सारी ये चीज़ें आपको जूम करके यहाँ पे जो है ना देख लेना। इंशाल्लाह जो है ना अगली जो भी वीडियोज़ आएंगी प्रोसेस हिसाब से चलते चलते ये इंशाल्लाह जो है ना कोर्स यहाँ तक एंड होगा। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके, ये मैंने नाम चूज़ किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो इंशाल्लाह जो है ना मैं एक व्लॉग की सूरत में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये नाम क्यों चूज़ किया। और ये जो है ना प्लेलिस्ट आप सेव कर लें, इन फ्यूचर आपको जो है ना इंशाल्लाह काम आएगी। यहाँ पे 5-6 वीडियोस पहले ही पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह ये भी जो है ना जल्दी अपलोड कर लूँगा, और अगली इंशाल्लाह जो भी वीडियोज़ आएँगी वो जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह वो जो है ना आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।